सागर के देवरी विकास खंड के महाराजपुर सर्कल अंतर्गत ग्राम बिरसला में यहां पर शासकीय चरनोई भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने के संबंध में ही तहसीलदार विनीता जैन और साथ ही नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी को अवगत कराया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों और साथ ही पुलिस अधिकारियों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने बलपूर्वक हटा दिया था। उसके बाद अतिक्रमणकारियों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई थी और वहीं अतिक्रमणकारी मर्दन और साथ ही अन्य के व्यक्ति ने यहाँ पर खुद को चोट पहुंचाकर षड्यंत्र पूर्वक गांव के ही लोगों को झूठे मामले में फंसाया है। झूठे मामलों को लेकर ही सैकड़ों ग्रामीणों ने SGOP ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया है कि अतिक्रमणकारियों ने यहाँ पर ग्राम में ही शराब पीते हैं और अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान और साथ ही बाद में संबंधितों के साथ ग्रामीणों का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। संबंधितों द्वारा यहां पर दर्ज कराया गया मामला पूरी तरह से झूठा है। उपरोक्त मामले में ग्रामीणों ने फिर से जांच करते हुए और साथ ही दर्ज किया मामले को खारिज करने की मांग की है। 22 जुलाई 2021 को अतिक्रमण हटाया गया था प्रशासन के द्वारा महाराजपुर सर्कल अंतर्गत। तो कुछ लोग जो अतिक्रमणकारी थे उनके द्वारा फर्जी मुकदमे बनवाए गए हैं ग्रामवासियों पे SC/ST Act की उल्लंघन धाराओं में। उस संबंध में समस्त ग्रामवासियों ने आज ज्ञापन दिया है। माननीय विधायक जी के पास भी गए थे और SDOP मैडम की भी यहाँ भी ज्ञापन दिया। क्या मांग है ज्ञापन? ज्ञापन में फर्जी धाराएं हैं उनसे केस हटाया जाए। ऐसी कोई विवाद वहाँ हुआ नहीं था और प्रशासन सामने मौजूद था जब विवाद हुआ, अतिक्रमण हटा जब। क्या बोले सर? वो 22 जुलाई को हमारे यहाँ ग्राम बेड़सला धापु कुटुब मौजा में हल्का नंबर 65 में अतिक्रमण किए हुए थे लोग, उनका अतिक्रमण हटाया गया था। उस संबंध में उन लोगों ने फर्जी रूप से हमारे गांव के 3 ग्रामीणों पर फर्जी SC/ST Act मुकदमा दायर करवा दिया है। उसी संबंध में ज्ञापन देने आए थे अधिक मैडम को कि वो फर्जी है, पूरी तरह से गलत है, उसको खारिज किया जाए और उसकी जांच की जाए। अगर ये खारिज नहीं होगा तो आप लोग क्या? तो फिर हम लोग आएंगे फिर और पूरे ग्रामवासी धरना पर बैठेंगे। हाँ, बेसरा के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्हें अवगत कराया है कि उनके खिलाफ प्रकरण कायम किया गया है, वो झूठा है। SC/ST के तहत उनके खिलाफ प्रकरण कायम किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा जो तथ्य पेश किए गए हैं उनमें सूक्ष्मता से जांच करके आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।